जन की बात पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि दिल्ली में हम कूड़े की स्थिति पर रिपोर्टिंग करेंगे, कूड़ा ट्रैकर नाम की जो हमने सीरीज चालू की है हम उस पर आज का पहला दिन चालू कर रहे हैं। मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रही हूँ हिम्मतगढ़ से, जो कि नई दिल्ली का बैक साइड में है, और मैं आपको यहाँ पे स्थिति दिखाना चाहती हूँ। सफाई की एमसीडी चुनाव को लगभग 150 दिन हो चुके हैं, रिजल्ट आए भी लगभग 5 महीने होने को आ रहे हैं। क्या कुछ नया हुआ है, क्या कोई स्थिति में बदलाव आया है, आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। और उससे पहले मैं आपको लाइव यहाँ पे स्थिति दिखाना चाह रही हूँ। और एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगी वो ये कि ये जो स्थान जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ, ये एमसीडी के कूड़ा घर से बहुत पास है। यहाँ पे एमसीडी की जो गाड़ी है या यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सब आस पास है। फिर भी आपको अभी जो मैं लाइव स्थिति दिखाने जा रही हूँ वो जरूर देखिए और अपने कॉमेंट्स या प्रश्न जरूर यहाँ पे पोस्ट कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये है यहाँ की स्थिति। सुबह से हम दिल्ली के कई अन्य जगहों पर ट्रैकिंग कर रहे हैं कूड़े की। ईस्ट दिल्ली में हमने अशोक नगर, लक्ष्मी नगर की तरफ काफी फोटोज और वीडियोस इकट्ठे किए जो आप तक पहुंचाएंगे, मगर इस वक्त हमें हिम्मतगढ़ में, जो कि नई दिल्ली एनडीएमसी का जस्ट एरिया क्रॉस करने के बाद आप देख सकते हैं ये एमसीडी के अंडर आता है, और यहाँ पे स्थिति है। ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे 3 बार जो है सफाई होती है, और ये चीज हम बिल्कुल देख सकते हैं कि कितनी बार सफाई होती है यहाँ पे, ये आपके सामने है। और ये मैं बताना चाहूंगी कि ये एक बहुत ही छोटा एरिया जो मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रही हूँ, और इसके अगर मैं बहुत आगे या बहुत पीछे जाऊं तो स्थिति में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। यहीं पे काफी सारे फूड वेंडर्स भी हैं, फूड शॉप्स भी हैं, और कुछ खाना भी पक रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने ही यहाँ पे ये स्थिति है कूड़े की, ये स्थिति है दिल्ली की, जिसमें कोई बदलाव खास देखने को नहीं मिल रहा। मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि यहाँ पे इतनी गंदगी क्यों है, क्या लगता है आपको? तो आपको ये जगह साफ लग रही है? साफ तो है, साफ है। चलिए भैया, पहले तो बहुत साफ है, पहले और भी बुरी थी यहाँ पे स्थिति। तो कब से बदलाव आना चालू हुआ? भैया आप बताना चाहेंगे यहाँ पे साफ सफाई की स्थिति कैसी है? सफाई ठीक है जी, ठीक है। ये जो यहाँ पे कूड़ा पड़ा है ये हर दिन ऐसे रहता है? नहीं नहीं, यहाँ कूड़ा नहीं रहता। यहाँ नहीं रहता, तो आज क्यों है? आप कूड़ा, ये जो इस तरह पूरा कूड़ा पड़ा है उधर, उधर उस साइड में पड़ा हुआ है, यहाँ पूरा नहीं। आपके बाहर की बहन नहीं कह रही, मैं यहाँ पूरी जगह की बात कर रही हूँ। प्रसाद प्रसाद वगैरह बांटे उसका, और झाड़ू सुबह सुबह लगता है, एकदम सफाई हो जाती है जी। आज विश्वकर्मा पूजा था ना, तो प्रसाद प्रसाद बांटे ये उसी का है। ठीक है, तो विश्वकर्मा पूजा की आप बात कर रहे हैं, इसलिए आप बता रहे हैं कि यहाँ पे आज जी आज की है, ऐसे साफ सफाई रहती है। तो मतलब अगर हम कल आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये सब कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ सफाई मिलेगा। आज विश्वकर्मा पूजा था ना हम लोगों का, तो वो प्रसाद वगैरह बांटे हैं, ये उसी का है ये। चलिए ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये विश्वकर्मा पूजा की जो है कारण यहाँ पे इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। मगर हमें आगे कुछ लोगों ने बताया कि स्थिति यहाँ पे बहुत गंभीर होती है, मगर हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते इस बारे में। तो भैया आप बताना चाहेंगे, आप यहाँ पे कितने सालों से है आपकी दुकान? नया है, दूसरा भी चला था। अच्छा, आप नए हैं? तकरीबन 10 साल से ये दुकानें हैं जी, और ये पहले खोके हुआ करते थे जी, और अब जो है ये इनको कै बाजारी के लिहाज से इनको खोके अलॉट हो चुके हैं जी। हाँ, तो इसमें आप क्या जानना चाहेंगे? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी भैया कि हम दिल्ली में साफ सफाई की स्थिति देख रहे हैं, उसको ट्रैक कर रहे हैं। देखिए, साफ सफाई जो रखना चाहते हैं वो आम इंसान है, बिल्कुल उसमें हर आदमी का अपना एक कर्तव्य है कि मतलब वो खा रहा है पी रहा है तो कहाँ डस्टबिन देख रहा है या नहीं दे रहा, उसमें आप कहीं
किसी को भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। वो उसकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि क्या करे जी। तो ये साफ सफाई इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये डस्टबिन रखेंगे जी, तो डस्टबिन रखने का मतलब ये है कि कोई ग्राहक आ रहा है तो उसको देखना चाहिए यहाँ डस्टबिन रखा है। बिल्कुल, तो उसको उसमें डस्टबिन का यूज करना चाहिए जी। जी, तो मैं भैया किसी को यहाँ पे गलत नहीं ठहरा रही, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे क्या सहमत है यहाँ की स्थिति से सफाई की, कि कुछ और काम की जरूरत है? कॉर्पोरेशन और दिल्ली गवर्नमेंट का इसमें, दिल्ली गवर्नमेंट का दोष नहीं देंगे आप, कॉर्पोरेशन का दोष देंगे एमसीडी का जी। एमसीडी में जिसकी गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट समझना चाहे कि मतलब किस तरीके से यहाँ काम करवाना है क्या नहीं करवाना जी। तो भैया ये ऐसा है कि चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, काफी वादे किए गए थे कि 100 दिन में दिल्ली को हम कूड़ा मुक्त बना देंगे। कुछ नहीं हो सकता, तो ये आप, ये अपने आप पे डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं करता। और भैया जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सामने ही एमसीडी का कूड़ा घर है। कूड़ा घर नहीं है, एमसीडी का मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है। अच्छा, सिविक सेंटर जी, जहाँ पे पूरे एमसीडी के दिल्ली के निगम पार्षद बैठते हैं, बैठक करते हैं जी। और वो सिविक सेंटर कोई छोटा मोटा सिविक सेंटर नहीं है जी, हजारों करोड़ रुपए का सिविक सेंटर है। वहाँ पे जितनी खर्चे की खर्चा करा जाता है साफ सफाई के ऊपर, यहाँ पे करा जाता है। तो ऐसा क्यों, क्या कारण मानते हैं आप? कारण कुछ नहीं है, कारण ये है कि निगम के निगम पार्षद या कोई भी है वो अपने ऊपर ध्यान देते हैं, लोकल पब्लिक पे ना तो कोई ध्यान देने वाला है ना कोई कुछ करने वाला है। और चुनाव के पहले जो बात की जाती है और वादे की जाती है जी, तो एक और चीज में सभी यहाँ पे कोई भी जवाब दे सकते हैं कि एनडीएमसी और एमसीडी के एरियाज में इतना अंतर क्यों है? एमसीडी का एरिया जो आता है वाल सिटी के अंदर आता है जी। वाल सिटी कितनी है आप जानते हैं? बताइए। जानते हैं वाल सिटी जो है, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट और ये जितना भी वाल सिटी एरिया कहलाता है, ये आता है एमसीडी के अंदर जी। और एमसीडी से अलग हटके जो दिल्ली नंबर एक आता है वो एनडीएमसी के अंदर आता है। तो एनडीएमसी का वो अपना वो, तो वहाँ पे ज्यादा सफाई देखने को क्यों मिलती है? वो इसलिए मिलती है कि वहाँ पे सारा का सारा पॉश एरिया है जी, ये सारा का सारा लोअर एरिया है, ये स्लम एरिया है। स्लम एरिया के अंदर कोई भी झांकने वाला नहीं आता और कुछ नहीं। चलिए हम और लोगों से, धन्यवाद भैया जुड़ने के लिए और इतनी बात करने के लिए हमारे साथ। भैया मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप पहले तो ये बताइए, आपको यहाँ की स्थिति साफ दिख रही है कि गंदी दिख रही है, पहले आप बताइए। यहाँ की स्थिति बिल्कुल साफ सुथरी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। वो आज तो पूजा हुआ है, थोड़ा सा गंदगी दिख रहा है, पूजा में झाड़ू नहीं लगता है। अच्छा भैया, हमें कुछ लोगों ने पीछे बताया कि यहाँ पे ऐसा ही रहता है। नहीं मैडम, कल सुबह आ जाओ ना, 8:30 आके देख लो, बिल्कुल सफाई मिलेगा जी। पूजा है ना तो हम लोग झाड़ू नहीं मारते, पूजा होने में झाड़ू नहीं लगता है, ऐसे ही रह जाता है। अच्छा, तो आज झाड़ू नहीं लगा है न कोई लगा है, कल से दिन बिल्कुल सफाई है, कोई दिक्कत नहीं, सारी साफ सफाई है। ठीक है, तो अगर आपके कोई यहाँ पे अध्यक्ष लोग कुछ देख रहे हैं तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ पे कैसे और बेहतर बनाई जा सकती है सिचुएशन? बेहतर तो है ही है, अब जितना बेहतर बना सके उनकी मेहरबानी है जी। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है, जी। तो आप अगर आप यहाँ पे खुद ही देख रेख करते हैं तो आप क्या बताना चाहेंगे कि इसको कुछ करा जा सकता है, कुछ और बेहतर बनाने के लिए कुछ फंड बढ़ा दिए जाएं या कुछ हो, इससे कुछ बेहतरी हो सकती है इस जगह की? हमारे समझ से तो बेहतर है, अब इससे अगर बेहतर उनके समाज में ज्यादा है तो और बेहतर बना लें, लेकिन बेहतर है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, साफ सफाई ढंग से है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया कि वो कॉर्पोरेशन से जुड़े हैं वो व्यक्ति जो, जिनको ये जगह बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही है। और छठ पूजा ही नहीं, उसके अलावा भी लोग बता रहे हैं यहाँ के जो लोकल्स की यहीं पर स्थिति रहती है, मंदिर भी यहीं पर है, पूजा घर के बाहर भी अगर इस तरीके की स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि ये एक उचित वातावरण है। मगर अब हम जरूर इसमें, जैसा ही सब बोल रहे हैं कि अगले दिन आके बात करें और देखें, तो हम फिर से कल आएंगे या परसों आएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आपको क्या लगता है दिल्ली में सफाई की स्थिति में कुछ बदलाव आया है? नहीं, इतना लगता तो नहीं। और अगर इस एरिया की बात करूं तो आपको लगता है कि ये साफ है? नहीं, लगता तो नहीं है कि साफ है। और कारण क्या समझते हैं इसका? बोल चक्कर देखिए पहले आप जाके, उसके बाद बात करें। तो वहाँ पे और भी आप देखो पहले एक बार जाके फिर बात जी।
फिर भी अगर आप बताना चाहें कि किस तरीके से हम सब मिलकर दिल्ली को बेहतर बना सकते हैं, या अभी चुनाव हुए हैं हाल ही में, तो उसमें कुछ अगर हमें कूड़ेदान लग जाए तो सब साफ ही रहेगा। तो ऐसा क्यों है, कूड़ेदान लगाना तो काफी आसान है, हर दुकान के बाहर नहीं लग सकते ना, उससे क्या होगा, सब समय के उठा के ले जाएंगे सारे कूड़ेदान यहाँ से, और उनको क्या मिलेगा उससे, बेच देंगे। तो आपने देखा कि यहाँ कूड़ेदान लगने में भी कितना बड़ा, ये बता रहे कि एक नुकसान है, जो कि एक आम बात होनी चाहिए थी। और आजकल नए रूल निकले कि हर जगह नीला और हरा जो है कूड़ेदान लाल लगे, जिसमें गीला और सूखा कूड़ा भी लगे हुए, निकाल के ले गए, खाली डंडे रह गए वहाँ। अच्छा, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका फिर उपाय क्या होगा, इसका क्या इलाज है? गवर्नमेंट उपाय करेगी, उसके लिए भी हम ही। तो मतलब कूड़ेदान, अच्छा ये आपने लगा के देखे थे कभी? हाँ, लगा के देखे थे, यहाँ पर बाल्टियाँ कूड़ेदान रखे थे, आगे ले जाते हैं। यहाँ पर वो बना दी थी चौकी, वो भी तलक की तोड़ दी, चौकी बना दी थी लोहे की, वो भी तोड़ दी कूड़े के चक्कर में, ताकि कूड़ा मिले और उसे बेचकर कुछ पैसे कमाए जा सके। लोहे के चक्कर में भी तोड़ दी, लोहे के चक्कर में काट के ले गए बाल्टियाँ, किसी को बेच दी, लोहे बेच दिया। अच्छा, कूड़ेदान की बाल्टियाँ लगाई थी, वो भी ले गए उठा उठा। आप पहले एक बार गोल चक्कर देखे, फिर देखे सफाई है या नहीं। चलिए, जैसा कि इन्होंने सजेस्ट किया कि हम उस तरफ भी देखते हैं, इस इलाके में है तो बातचीत करते हैं। तो वहाँ पे गोल चक्कर है जिस तरफ से, तो जी आइए भैया, आप साथ में कोई मेरे साथ। तो आपने देखा कि क्या हम इन लोगों को भी ब्लेम कर सकते हैं जो यहाँ पे ये बता रहे हैं स्नैकी रात को आते हैं और कूड़ा और कूड़ेदान चुरा कर ले जाते हैं। तो अब इसमें आप क्या कह सकते हैं कि इतनी लाचारी है यहाँ पर कि लोग अपना पेट पालने के लिए कूड़ेदान को चुरा रहे हैं और इस वजह से गंदगी हो रही है। इससे ज्यादा जो है दुख की बात मुझे कुछ लग नहीं रही यहाँ पे। देख लीजिए कितने गंदी हो रही है यहाँ पे। ये क्या चूहे हैं? नहीं तो चूहे, मैं बिकॉज ये इस वक्त अंधेरा है, मैं आपको दिखा नहीं पा रही, मगर ये जो मैदान है यहाँ पे लगभग मैं खुद से खड़ी हो पा रही यहाँ पे। भैया ये कितने चूहे होंगे यहाँ पर? 300-400 चूहे यहाँ पे, 300-400 बहुत मोटे चूहे हैं। मैं ये दृश्य जरूर आपको दिन में दिखाना चाहूंगी। भैया वो बोल रहे थे कि ये सिर्फ आज की स्थिति है। कबूतर भी हैं सुबह यहाँ पे। मैं शब्द नहीं है मेरे पास इस वक्त यहाँ पर मैं बिल्कुल आप दर्शकों को दिखा नहीं पा रही कि ये जो पूरा गोल चक्कर है इधर, ये खाली मैदान है जिसमें बहुत सारा कूड़ा है और लगभग 400-500 चूहे हैं, और खड़ा होना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। और ये भैया सुबह भी यहाँ देखने को मिलेंगे, दिन में भी? मैम हमेशा यहाँ मिलते हैं, हम यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप लाइट की तरफ आ जाएं। मैं भी एक एनजीओ से हूँ, अभी ये जो हमने झंडा लगाया है इसीलिए लगाया है ताकि लोग यहाँ पे साफ कर पाए इसको और थोड़ा ध्यान दें। बट आप देख सकते हैं झंडे के सामने कूड़ा खत्ता है, आप देख सकते हैं नेशनल फ्लैग है। दिन में यहाँ मैं दर्शकों से माफी चाहती हूँ कि मैं रात को यहाँ पे मेरे पास क्लिप्स है सारी, जिनमें यहाँ पे कूड़ा जितने भी गाड़ियाँ हैं डंपर खड़े रहते हैं और यहाँ पे हमेशा इतनी भीड़ रहती है कि यहाँ पे कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। इसकी कंप्लेंट्स मैंने हमारी एनजीओ ने मेयर को दी है और कई जगह पे हमने इसकी कैरी आउट कराई है, बट वहाँ से अभी तक कोई एक्शन टेकन नहीं लिया। क्यों एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे? मैम यहाँ पे रोड पे चलने की जगह नहीं होती है, ट्रक्स खड़े रहते हैं कूड़े वाले, इसलिए गाड़ी आप देख सकते हैं। भैया मुझे एक चीज बताइए, आप यहाँ इतने बड़े ट्रक्स खड़े हैं, तो यहाँ से कूड़े की सफाई क्यों नहीं हो रही? मैम नहीं हो पा रही क्योंकि सब भ्रष्ट है यहाँ पे, इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हमारी संस्था लगी हुई है। लाइक इसलिए लगाया गया था कि 15 अगस्त को परमानेंट इसलिए लगाया गया था कि लोग इसको देखकर अपने शहर के प्रति थोड़ा ध्यान दें, बट इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आप बस लाइक देख सकते हैं जिस हालत में, और भी इसको गिरा दिया जा रहा है, इसको हिलाते हैं रोज लोग यहाँ के, यहाँ के काउंसलर्स भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम बहुत यहाँ पे काम कर रहे हैं, रोज हम यहाँ सफाई करते हैं, बट एज इट इज यहाँ पे गंदगी रहती है। तो आप मेरे को अगर स्पेसिफिक बताएं कि यहीं पे है कूड़ा घर, यहीं पे सिविक सेंटर है, यहाँ पे एमसीडी का सबसे बड़ा हेड ऑफिस बताया जा रहा है, और यहाँ पे इतनी गंदगी देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी जो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है यहाँ पे, तो ये ऐसा क्यों है? क्यों ये बड़ी गाड़ी वहाँ पे, कर्मचारी वहाँ पे, सारे आपके ऑफिसर बैठे हैं, तो क्यों ये इतना मुश्किल क्यों है? मैं वो इस तरफ ध्यान नहीं देते, वो यहाँ पे सफाई भी नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, उनको क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो यहाँ नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे सीएससी का ऑफिस है, एमसीडी के ऑफिस है, कूड़ा खत्ता है, बट यहाँ के जो लोग हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप लोगों में से कोई काउंसलर्स या मेयर्स या यहाँ पे किसी
लोकल अथॉरिटी के पास जाके बात की, लेटर लिखी, मिले, लड़े, कुछ किया? मेरे पास अभी लेटर्स नहीं है, बट मैं कई बार मेयर को दे चुका हूँ, प्रीति अग्रवाल जी को, नॉर्थ एमसीडी की जो मेयर है, उनको कई बार दे चुका हूँ, बट उन्होंने कोई स्पेशल टेकन नहीं दिया। मैंने प्रीति अग्रवाल जी के अपने सारी तरफ बहुत बड़े पोस्टर्स देखे हैं, काफी अच्छी मुस्कुराती शक्ल है जिसमें काफी लिखा है कि हमने ये काम किया, वो काम किया। तो आप जब उनके पास गए तो क्या हुआ? उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया कि हम दो चार दिन में कराते हैं एज इट इज, बट उन्होंने नहीं कराया। यहाँ के MLA आसिम अहमद खान है, उनको भी यहाँ का दिखाया गया कि आप यहाँ पे सफाई कराइए, इस पार्क को बनाइए, ताकि मैम इससे एक बहुत बड़ा खतरा है इस एरिया में, इतने अगर चूहे एक साथ मारे गए तो यहाँ पे रेबीज की बीमारी ज़्यादा फैल जाएगी, प्लेग ज़्यादा फैल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इतने चूहे रहते हैं। कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे आप और थोड़ी देर बाद आएंगे, रात में आएंगे, तो कम से कम 1000 चूहे बाहर रहते हैं और लोगों को काट के भागते हैं, कई ऐसा एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे। ये इतने चूहे आए कहाँ से और क्यों? मैम यहाँ की लोकेलिटी के लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली चूहे छोड़ने आते हैं, तो इसलिए सॉरी एक बार फिर यहाँ पे लोकेलिटी जितनी है यहाँ पे चूहे छोड़ने वो लोग आते हैं, पिंजरे में जो कैद हो जाते हैं सारे चूहे, इधर जो ट्रैप होते हैं उनको यहाँ खाली, तो ये यहाँ से बाहर निकल के फिर भी तो आ जाते होंगे। एजिटेशन उन्होंने होल बना रखा है, पर एजिटेशन उसी जगह है जिस जगह है यहाँ की लोकल अथॉरिटी। तो इस चूहों को हटाने का क्या समाधान है? मैम एक टेंट है इसका हटाने का, हमने कई बार इस पे काम करने की सोची, पर हमें किसी प्रकार से कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसके अंदर रेता डलेगा, रेता डलने के बाद एज इट इज इसमें जो नाई के पास बार्बर के पास बाल होते हैं वो डलेंगे, ताकि चूहे नीचे उनकी स्मेल से भाग पाए। ये एक इस टाइप से एक टैक्ट है। अच्छा, सर्टिफाइड टैक्ट है जी। तो आपने बताया कि इसको, लेकिन अगर हम चूहे मारने की दवा डाल देंगे तो बहुत नुकसान और हो जाएगा। नुकसान इसलिए होगा अगर चूहे मरेंगे, फिर प्लेग ज्यादा होगा ना यहाँ पे, इसलिए वो डाल नहीं सकते, इसलिए थोड़ा परेशानी है। तो ये काफी यहाँ पे गंभीर सिचुएशन है, और आयरनी ये है, ये कम से कम 15-20 सालों से ऐसी है। अभी थोड़े दिन कॉमनवेल्थ के टाइम पे थोड़ा काम हुआ था 7 साल पहले, बट एज इट इज यहाँ पे कर दिया गया है। हम MCD के पास जाते हैं, MCD बोलती है PWD के पास, बट PWD के पास जाते हैं वो कहते हैं MCD का काम है, इसलिए हम भागदौड़ी में लगे रहते हैं, वो दोनों ही इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो यहाँ के ओनर्स हैं जो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें कुछ कूड़ा नहीं दिख रहा, सब साफ है, ऐसा क्यों? इसमें से कुछ खुद MCD में इनका कुछ वो है, सीट्स है, क्या है ये सच्चाई क्या है? हम ये यहाँ के लोग जितने भी बस वो एजेंट यहाँ पे काम नहीं करना चाहते हैं, दुकानें इनका सिर्फ मेन मोटो यही है कि यहाँ पे हम काम करें अपने चले जाएं। आप यहाँ भी देख सकते हैं वहाँ से वहाँ तक गंदगी भरी हुई है, आप दिन में भी आएंगे तो यहाँ पे सब ऑटो फैले रहते हैं, इसलिए भी रोड जाम होता है। यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं जो DTC के लोग होते हैं, पूरा सर्कल नहीं घुमाते, और यहाँ पे ड्रग्स होते हैं 5 से 7 यहाँ ऑटो होते हैं, तो एक साथ कई एक्सीडेंट हो चुके होते हैं यहाँ पे। ये आए दिन की एक समस्या है हमारी बहुत बड़ी, और ये गंदगी के वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोगों में से कोई कुछ बताना चाहेगा यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि साफ सफाई है कि गंदगी है? क्या लगता है? गंदगी है, यहाँ पे गंदगी ही रहती है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो कि यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है? तो आपको भी दिख रहा है गंदगी है, सबको दिख रहा है जी। तो क्या ऐसा क्यों है, एक शब्द में अगर आप एक लाइन में बताना चाहें, ऐसा है क्यों यहाँ पे? अपने बोल के गए हैं कि हम अपने स्वयं की गंदगियों का एहसास हमें नहीं हो पाता। मैं यहाँ पे कुछ टेक अवे यहाँ पे आपको बता के हिम्मतगढ़ में हम आए, और यहाँ पे हमने काफी दिल दहला लेने वाली चीजें देखी। मैंने अपनी जिंदगी में 500 चूहे इतने मोटे पहली बार देखे इस गोल चक्कर के पास, और वहाँ आपको सबको गंदगी दिखाई, और काफी बड़ी विचित्र बातें पता चली यहाँ पर कि MCD का सिविक हेड ऑफिस यहाँ पे है, ट्रक्स इधर खड़ी हैं पीछे सामने MCD के, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, जिसके वजह से रोड्स ब्लॉक रहती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, मगर सफाई नहीं होती, जिसके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अब जब लोगों ने इस पर शिकायत की तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के ऊपर इशारा किया गया कि ये PWD का काम है, PWD के पास गए तो बोला कि MCD का काम है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, मौजूद है, और काम नहीं होता। तो ये काफ़ी गंभीर सिचुएशन है यहाँ पे। अगर ये अपने दुकानों के बाहर डस्टबिन लगाते हैं तो डस्टबिन जो है वो कुछ स्नैक कंज्यूम करें लोग उठाकर ले जाते हैं,
ताकि वो कूड़ा बेच पाए अपना पेट पालने के लिए। तो वो सॉल्यूशन भी बिल्कुल आपने देखा कि कैसे एप्लीकेबल नहीं है। अगर इतने सारे जो चूहों को मारें तो यहाँ पे प्लेग और रेबीज जैसी बीमारियां होने का डर है, इसलिए इस सिचुएशन को यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया जा रहा है। इतनी गंदगी है यहाँ पे, लोग जो रहते हैं, मैं देहरादून की उनकी स्वच्छता और उनकी जो स्वास्थ्य है उस पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे बच्चे हैं उन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये सिर्फ एक दृश्य है एक छोटे से इलाके में दिल्ली के। और ऐसी पूरी बड़ी दिल्ली में हम आपको कई सारे दृश्य दिखाएंगे, मगर उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक सॉल्यूशंस की तरफ पहुँचे। ईस्ट दिल्ली में भी आज जब हमने ट्रैकिंग की तो अशोक नगर और लक्ष्मी नगर में काफ़ी कूड़ा देखने को मिला। इसकी हम अपनी तहकीकात और कार्रवाई जारी रखेंगे और प्रेशर बनाने की कोशिश भी करेंगे अथॉरिटीज़ पे कि कुछ कदम उठाए जाएं। हम यहाँ पे सीमित नहीं रहेंगे, हम काउंसलर्स मेयर से भी मिलकर आएंगे, जो प्रीति अग्रवाल जी का नाम लिया जा रहा है उनसे पूछेंगे कि जो सारी लेटर्स आप तक पहुँची थी आखिर क्यों उसका जो जवाब और सुनवाई नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीजन क्या, आप क्यों नहीं यहाँ पे समाधान निकाल पा रहे, 1000 चूहे जहाँ रात को आ जाते हैं। मैं सुबह जरूर एक दिन आकर ये दृश्य आपको दिखाऊंगी, हमारे रिपोर्टर्स पहुँचेंगे यहाँ पर, यहाँ पे लोग काफी जमा हो गए हैं। भैया क्या आप इस जगह पे सफाई चाहते हैं, हाँ या ना? चाहते हैं। सब एक साथ बोलिए, बिल्कुल चाहते हैं। तो आपने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, सफाई चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? मदद करेंगे। कैसे? इन्हें बताएंगे। हम सब मिलके कार्य करेंगे सफाई के प्रति। जब आप कुछ चिप्स खाते हैं तो उसका छिलका फेंकेंगे? नहीं। किस में फेंकेंगे? डस्टबिन में। और डस्टबिन कहाँ है? डस्टबिन नहीं है, तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है, डस्टबिन भी नहीं है यहाँ पर। मगर एक तरफ रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई उसको उठाकर लेकर जाए, और ज्यादा फैलाएंगे नहीं गंदगी, और जो भी गंदगी करेगा उसको भी मना करेंगे, इतना तो सब कर सकते हैं। और इनके साथ जो भी कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे बात करके आए जाकर, सब साथ दीजिए और अपनी जगह और स्वास्थ्य का ध्यान रखना हम सबका दायित्व है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जन की बात पे जुड़ने के लिए धन्यवाद।